नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर इतिहास रच दिया है। इस मिशन को लेकर हर दिन अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब चंद्रयान 3 मिशन का प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए ऊर्जा हासिल कर रहा है। टीओआई की रिपोर्ट की माने तो इसकी पुष्टि अटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजीत कुमार मोहंती ने की है। मोहंती ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत का परमाणु क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा हो सकता है। क्या जागेंगे विक्रम और प्रज्ञान, ये बहुत दिलचस्प है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल ने कहा कि इसरो रोवर और लैंडर को मेंटेन करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल के परमाणु संसाधनों का उपयोग भविष्य में कर सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि इसका इस्तेमाल भविष्य में लैंडर और रोवर के जरिए सिग्नल पाने के लिए किया जाए। हालांकि डायरेक्ट ऊर्जा देने के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर आरएचयू को स्थापित नहीं किया गया। इसरो की माने तो ऐसा करने से चंद्रयान 3 का द्रव्यमान बढ़ जाता, जिसके चलते मिशन में किसी तरह की परेशानी आ सकती थी। उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। लेकिन उस दिन लैंडर के लैंड करते ही दक्षिणी ध्रुव पर एक घटना और हुई थी। विक्रम लैंडर के लैंड करते ही चंद्रमा की सतह पर इतनी लूनर मिट्टी उड़ी कि उसने चांद पर ही एक इजेक्ट हैलो तैयार कर दिया। इसरो ने बीते शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। इसरो ने एक्स पर लिखा, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करते ही चांद की सतह पर एक इजेक्ट हैलो बना दिया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि विक्रम लैंडर के लैंड करते ही लगभग 2.06 टन लूनर मिट्टी चांद पर फैल गई। हालांकि इस विषय पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हम ऐसा वीडियो अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।